जय भीम साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। सबसे पहला मुद्दा जो है, जो अभी कल जो हुआ है अमृतसर में रावण दहन पे, देखिए काल्पनिक कहानियों के चक्कर में जीवित लोग चले गए, और मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी जो पंजाब की टीम है और पूरे देश की टीम है, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हुई। और मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि ये लापरवाही की वजह से हुआ है, चाहे वो रामलीला कमेटी वालों की लापरवाही हो, चाहे वो रेलवे की लापरवाही हो, चाहे वहां के प्रशासन की लापरवाही हो। तो जिसकी लापरवाही से कि वो की वजह से उनको सजा मिले, और उनके परिवार को कम से कम प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। ये 5 लाख और 2 लाख छोड़िए, किसी के परिवार को, जिसके परिवार से वो कमाने वाला व्यक्ति चला गया, उसके परिवार की पूर्ति इसमें नहीं हो रही है। तो उनके साथ मजाक करना बंद कीजिए। अगर मीडिया के माध्यम से विवाद जाएगी तो मैं चाहता हूं कि उन पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये सारी चूक प्रशासन की है, सरकार की है, वहां जो रामलीला कमेटी थी जिन्होंने आयोजित किया उनकी है। तो ऐसे में उनको चाहिए, सरकारों को चाहिए कि वो 1 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति के साथ को मुआवजा दिलाए। जो लोग पीड़ित परिवार, जो लोग पीड़ित हो गए हैं, जो लोग हमारे बीच से चले गए हैं, उनके परिवारों को। दूसरा, जितने भी लोग जो अभी घायल हैं उनके उपचार में बिल्कुल लापरवाही ना बरते, उनको बिल्कुल अच्छा से अच्छा उपचार दिलाए, जिससे कि उनके जीवन की सुरक्षा हो सके। तो ये बहुत अहम मुद्दा है अभी, वो पूरे देश में चल रहा है। तो पूरे भीम आर्मी पंजाब की टीम कल ही वहां चली गई थी, कल ही वहां चली गई थी, और वो जितनी मदद उनसे होती थी वो कर रहे हैं, वो वहीं लगे हुए हैं। हमारा काम है कि मानव की मूल्य को हम लोग समझें, मानव मूल्यों की कीमत को हम लोग समझें, और इंसान की जिंदगी कीमत को समझें। इसलिए हम लोग ये सिर्फ कीमत हम समझते हैं, इसलिए हम वहां जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मीडिया भी इस बात को सुनेगी कि 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति को मुआवजा दिलाया जाए, उस पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाया जाए, जिससे कि उनके परिवार में एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, कि उनका जीवन यापन हो सके। दूसरी बात, ये बहुत गंभीर बात है भीम आर्मी के सभी सैनिकों के लिए। महाराष्ट्र में हमारे साथी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रावण दहन को लेके, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है 18 अक्टूबर की रात से। ये गलत है, मैं वहां की बीजेपी सरकार को बताना चाहता हूं कि याद रखें, गलत है। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को अपनी बात को कहने का, किसी जो अपनी बात कह रहा है उसको रोकने का। ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति आजादी है, अपनी बात को लोग रख सकते हैं, आप किसी को ऐसे उठा के बंद नहीं कर सकते। ये तानाशाही बंद कीजिए, गलत है। भीम आर्मी की पूरी टीम जो पूरे देश में काम कर रही है, वो पुणे टीम और पूरी महाराष्ट्र टीम के साथ खड़ी हुई है, वहां की पूरी कमेटी के साथ खड़ी हुई है। आप इस तरह तानाशाह ना हो, और किसी भी सूरत में हमारे लोगों को गिरफ्तार ना करें, ये गलत बात है, ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हक है, हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। अगर हम लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? और हम कहेंगे ईमानदार से, हम इस बात को कहते रहेंगे। मैं बिल्कुल सरकार को बता दूंगा, ऐसी चीजें मत करें सरकार। जिस तरह से आप ये माहौल बना रहे हैं, व्यक्ति की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, गलत है। जब हम लोग आपकी बातों को नहीं रोकते, आपको नहीं रोकते, तो हमें आप अपनी बात रखने से ना रोका जाए। हम पूरे ताकत से भीम आर्मी पुणे और महाराष्ट्र टीम के साथ खड़े हुए। अब आपको ये तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यहाँ देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। तो ये बहुत जरूरी मुद्दा, और जिस तरह से एक मुद्दा मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ, सीवर वाला जो मुद्दा है, अभी मैं इस मुद्दे को भी जोड़ रहा हूँ अपने, क्योंकि हमारे पारिवारिक मुद्दा है, हमारे भाइयों का मुद्दा है, ये हमारे पारिवारिक मुद्दा, हमारे भाइयों का मुद्दा है। सीवर में जो लोग मरते हैं, कम से कम जिस तरह से ठेकेदारी पर्दा चला के लोगों को मारा जा रहा है, तो ऐसे में पीड़ित परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और उनको एक परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे कि उनके परिवार का जीवन यापन हो। आप सरकार, कोई भी व्यक्ति उनको मरने के लिए गटर में नहीं घुसेड़ सकता है। हम ऐसी सभी सरकार का विरोध करते हैं जो सिर्फ दलित हितैषी होने का दावा करती है, और जाति के नाम पे सिर्फ उनसे ठेकेदारी करवा के उन्हें उसमें झोंकती है। मैं बिल्कुल अपने लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वो ऐसी व्यवस्था बन जाए। बाबा साहब ने हमें कलम की ताकत दी है, आप कलम की ताकत से भागीदारी करें देश में,
देश की व्यवस्था में, देश के जो ये व्यवस्था सिस्टम है इसमें आए, और सफाई का काम है तो चाहता हूँ वो लोग करें जो लोग रोज सफाई की बात करते हैं कि हम सफाई करें, भारत भारत को जो है स्वच्छ बनाएंगे, वो लोग आके सफाई करें, उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोग आके वो कर, स्वच्छ भारत अभियान जो लोग चलाते हैं, हमारे लोग क्यों करें सफाई। ठीक है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, किसी भी सूरत में आप इस तरह से व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जाति के नाम पे ये जो करते हैं गलत है, और एक बहुत बहुत वो चीज बुरी चीज़ है। आप जिस तरह से हमें ये वर्दी देके, हमारे समाज के लोग वर्दी देके ये आप कहलवाते हैं, उनको अलग से प्रदर्शन करते हैं कि ये लोग जो सफाई कर्मचारी है, बिल्कुल गलत है। आप मतलब एक तरह से उनके कॉन्फिडेंस लेवल को और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट देते हैं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।